रानी पद्मावती राजमाता का जौर हुआ था। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम चित्तौड़गढ़। तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है अभी, उसी के साथ अभी सबसे पहले काम है अपना ब्रेकफास्ट करना। 7:30 में उठ गया था, ब्रेकफास्ट करते फिर उसके बाद आसपास एक्सप्लोर करेंगे। यार अभी सुबह सुबह इतनी धूप आने लगी है ना, बाहर कितनी गर्मी होगी आई डोंट नो। और उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर पूल एरिया है जहाँ पर आप आकर के स्विमिंग कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। देन उसी के साथ ग्राउंड है, अगर आप दोस्तों के साथ आए हो तो यू कैन प्ले व्हाटएवर यू वांट, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग। देन उसी के साथ ये वॉकवे देखो भाई कितना सही है, क्या लग रहा है ना, दैट इज रियली गुड। एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद आसपास एक्सप्लोर करेंगे। अगर जल्दी फ्री हुआ तो आई विल गो टू बांसवाड़ा, अदरवाइज यहीं पर रुकना पड़ेगा आज भी। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी फ्री होकर के जल्दी निकल जाऊँ, दैट विल बी गुड, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में एक ही फोर्ट है जहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हो सिंगल विजिट में। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले काम, उसके बाद देखते हैं। दिस इज़ द मील ऑफ द डे, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे देन उसके बाद अच्छा सा घूमेंगे। तो ब्रेकफास्ट करके मतलब घूमने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, तो अपन ने ठीक ठाक सा ब्रेकफास्ट लिया है भाई, यदि सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, प्योर वेज है तो एग वगैरह कुछ नहीं मिला। कल का आपको डेटा शेयर करता हूँ मैं, 399.5 किलोमीटर अपन चल कर आए, जिसको कवर करने में टाइम लगा है 6.5 घंटे। माइलेज अपनी बाइक ने निकाला है 34.8 का, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है, मतलब दैट इज़ रियली गुड। अभी धूप बहुत तेज़ है, आप देख सकते हो भाई चिल चिलाती हुई धूप आ रही है। उसी के साथ मैं निकल रहा हूँ अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए और वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लोर करूँगा। देन अभी ओनली आई एम कैरिंग माई ड्रोन बैग और Insta360 लगेज वगैरह, हेलमेट वगैरह, जैकेट वगैरह सब कुछ यहीं पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में लेकर के घूमना भाई वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब अभी निकला भी नहीं हूँ, उससे पहले आप हालत देख सकते हो भाई कितनी गर्मी लग रही है। चित्तौड़गढ़ का किला, जो सर आप घूमने के लिए आए हैं, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और जमीन लेवल से इसका हाइट है 580 फीट और समुंदर लेवल है इसका 1850 फीट। पूरे किले के ऊपर में 113 मंदिर है पूरे फोर्ट के ऊपर में और 84 पानी के तालाब है पूरे किले के ऊपर में सर, 84 वाटर टैंक है और एशिया का सबसे बड़ा किला है सर, ये त्याग और बलिदान की धरती है। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। झरना जने अरे निर्भय नार की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे जत पावे गढ़ में गढ़ चित्तौड़ सर। इस पूरे किले के ऊपर में 90% यहाँ पे सीताफल का खेती होता है और 50% यहाँ पे जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए हैं जो आज भी इस किले के ऊपर में कायम है, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं पेड़ पौधे। तो अभी अपन चल रहे हैं विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ किले का मेन टावर है, उसका हाइट है 122 फीट, पूरा 9 मंजिल का बना हुआ है। उस टावर को आप विजिट करेंगे, टावर के बाद में जौहर कुंड है जो रानी पद्मावती राजमाता ने बहुत बड़ा जौहर किया था उस ज़माने के अंदर में, और शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और एक गौमुख कुंड है जो पूरा डीप से 50 फीट गहरा तालाब है जो आप विजिट करेंगे। ये विजय स्तंभ आ गया है चित्तौड़गढ़ किले का मेन टावर का। फर्स्ट प्लेस हम लोग आए हैं विजय स्तंभ देखने, जो कि हमारे गाइड साहब है। गाइड साहब आपका नाम? मेरा प्रहलाद नाम है सर, भगत है। प्रहलाद जी के साथ मैं आया हूँ किले के ऊपर में, बिकॉज ये चित्तौड़गढ़ किले पर ही रहते हैं। ओके, पूरा 2000 का आबादी है फोर्ट के ऊपर में। ओके, और पीढ़ी से पीढ़ी हमारा इस किले के ऊपर में चल रहा है सर। पूरी बढ़िया सी हिस्ट्री बता देना ताकि अपने व्यूअर्स देख ले और आए। तो ये बताया था विजय स्तंभ के बारे में, इसका हाइट है 122 फीट, पूरा 9 मंजिल का बना हुआ है ये, इसको 9 ग्रह के हिसाब से बनाया गया था उस ज़माने के अंदर में सर। तो इसका आने जाने का गेट भी है, फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है क्योंकि ये 2 साल से बंद पड़ा हुआ है सर। एंट्री गेट है, आने जाने का रास्ता है। टोटल जो सीढ़ी लगी हुई है 157 इसमें सीढ़ी लगी हुई है और बंद करने का रीज़न ये है कि रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है
और एक बार इसके ऊपर में थोड़ी दुर्घटना भी हो गई थी, सांस वगैरह जो चलता है लोगों को, क्योंकि आजकल हर घर में बीमारियाँ हो गई है, किसी को शुगर है, किसी को सांस है, इसलिए क्या कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं इसके ऊपर में। तो ये टावर जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक डमरू के आकार के ऊपर इसको बनाया गया है। ओके भाई, कूड़ा है बीच के अंदर, सकरा है और नीचे से चूड़ा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति इसके अंदर में स्थापित है। मुगलों को हरा के आए थे, उन्होंने बहुत विजय प्राप्त किया था, इसलिए चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर में इस विजय स्तंभ को बनाया। कम पानी के अंदर में जड़ी बूटियों को उबालते थे, जैसे चाशनी बनाते हैं वैसे जड़ी बूटियों की चाशनी बनाते थे वो गर्म पानी के अंदर। उसके अंदर चूना, दाल, जंगली गोंद, काफ़ी चीज़ें मिक्स करने के बाद में इस पत्थर को चिपकाया गया है, इसलिए पूरे किले के ऊपर में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती है सर। ओके, अब आप ये गेट जो क्रॉस कर रहे हैं ये सूर्य भगवान का गेट है सर, क्योंकि सूर्य उदय जो होता है वो इस तरफ से होता है और अस्त जो है वो इस तरफ से अस्त है सर। तो ये सूर्य गेट है, एक सबसे बड़ा जो दरवाजा आएगा वो उस तरफ क्या है। फिलहाल रास्ते तो इसके बहुत हैं आने जाने के लिए, मगर दो ही रास्तों को चालू कर रखा है, एक अपन आए एक इस तरफ सामने की तरफ। तो ये सारी जगह अपन विजिट करेंगे नीचे में। पहले मैं आपको बहुत बड़ी झील दिखा के लाता हूँ। ओके, तो इस झील की एक खासियत भी है, इस किले के ऊपर में 84 पानी के तालाब हैं। तो पानी के तालाब का महत्व ये है कि कुछ तो सूख जाते हैं और जो बड़े बड़े कुंड हैं फेमस कुंड वो भरे रहता है। तो उसमें से एक बावड़ी ये भी है जिसको गौमुख कुंड कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा डीप से 50 फीट गहरा है पूरा। जो भी आप विजिट करेंगे ये सारे गुरुजी के आश्रम है, निर्भयनाथ जी के आश्रम है, जिन्होंने यहाँ पे 1200 साल तपस्या की थी इस किले के ऊपर में, और तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ पे अंदर में ही जिंदा समाधि ली थी, जो आज इसके अंदर में जिंदा समाधि बनी हुई है निर्भयनाथ जी की। वो देख सकते हैं, अभी तो गेट पे ताला लगा हुआ है। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं इस तरह से खंडर मंदिर है, अभी फिलहाल इनको रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जो डैमेज मंदिर होता है उनके अंदर कभी मूर्ति स्थापना नहीं करते, ये बात आप भी जानते हैं। ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये गौमुख कुंड है, पूरा डीप से 50 फीट गहरा है, और राजाओं के और रानियों के लिए एक स्नान करने की जगह ये वाला है। स्नान करते थे फिर पूजा पाठ का कार्य शुरू होता था। तो ये कुंड जो है इनको वरदान दिया गया है, ऐसे हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी कहते हैं। कुछ किले के ऊपर में तालाब तो बहुत है, 84 तालाब है, मगर जो बड़े बड़े कुंड है उनको वरदान दिया गया है कि वो कभी सूखेंगे नहीं सर। तो ये कभी सूखता नहीं है, ऐसे आगे भी और बावड़ियां बनी हुई जो मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बड़ी। तो ये डीप से पूरा 50 फीट गहरा है, मगर इसका एक खासियत है कि ये साल में जब बारिश का नया पानी आता है तो इसमें कोई ना कोई डूब जाता है सर, चाहे तैरना हो चाहे कुछ भी हो, तो एक बार तो ये भोग लेता ही है सर, ये बलि लेता है। तो अभी पंडित जी ने मना भी किया है, तार भी बंद है, सब बंदी कर रखे हैं, तो भी लोग नहीं मानते हैं, कूदते हैं, फिर हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार मुआवजा नहीं देती है सर इस तरह से। तो ये जैन टेम्पल है, ये जैनियों के मंदिर बने हुए हैं किले के ऊपर में, टोटल जैनियों के 2500 किलोमीटर दूर है जो अपन चलेंगे देखने के लिए। 500 किलोमीटर मीटर 5-6 किलोमीटर है सर, 5-6 किलोमीटर वो देखने के लिए चलेंगे। देखिए पूरा जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो पड़ाव डाला था वो उसी जमीन के ऊपर मिला, और पुराने खिलाड़ी हैं और ये इस किले के ऊपर में नहीं मैं पिता जी नहीं प्रसाद खिला रहे प्रसाद माँ गायत्री जा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये पूरा जौहर की जगह बनी हुई है सर। यहाँ पे पहले बहुत बड़ी बावड़ी थी, पूरा 40 फीट गड्ढा गहरा डीप से बना हुआ था। इसको गवर्नमेंट ने भरवाने का जो रीज़न है आज तक कोई समझ नहीं पाया, मगर हमारे गांव के लोग कहते हैं इसको भरवाने का रीज़न ये है कि इसका जो पानी था वो इस विजय स्तंभ की नीम के अंदर में जा रहा था। अच्छा, इसलिए इस बावड़ी को भरवा दिया गया, एक छोटा सा हवन कुंड बना दिया और वहाँ पे लिखवा दिया जौहर स्थल। तो ये तीनों जो जौहर हुए थे यहाँ पे, आज आप बहुत सही टाइम पे आए हैं क्योंकि आज शनिवार। ओके, और आज शनिवार के दिन ही रानी पद्मावती राजमाता का जौहर हुआ था, जिसमें 16,000 लेडीज ने जिंदा अग्नि स्नान किया था उस जमाने के अंदर में। तो ये शनिवार के दिन ही जौहर हुआ था यहाँ पे, जो इसमें त्रिमूर्ति की स्थापना है वर्मा विष्णु और महेश की सर। तो ये मंदिर जो आप देख रहे हैं
ग्यारहवीं शताब्दी के अंदर में एमपी के राजा थे भोपाल के, कहां गंगू तेली कहां राजा भोज। तो भोज द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया है, मगर जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था किले के ऊपर में 1303 के अंदर में रानी पद्मावती राजमाता को पाने के लिए, तो इस मंदिर को तोड़ दिया गया था सर। इस मंदिर को वापस रिपेयरिंग करवाया था 1428 के अंदर में महाराणा मोकुल जी ने सर। दिस इज कोल्ड समाधीश्वर मंदिर। उसी के साथ यहाँ पर काफी सारे इतने सारे मंदिर है ना जो कि काफी डैमेजेस है और काफी अच्छी हालत में भी है। तो देखो मुझे ज्यादा हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने गाइड साहब है वो पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं आपको। आई होप आपको पूरी अच्छी लग रही होगी, एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा डिटेल बाय डिटेल आपको बताया जा रहा है। तो उसी के साथ अभी विजिट करते सारी जगह। इसको उत्तरी जोर द्वार गेट कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर की दिशा में है सर। दिस इज रियली गुड हवेली। ये है खंडर हवेली जो कि यहाँ के सेनापति वगैरह के लिए बनवाई जाती थी। अभी ये पूरी खंडर हो चुकी है, काफी हिस्से इसके टूट चुके हैं और अंदर जाके देखना बेवकूफ़ी है और इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है सच। आप देख सकते हो पूरी खंडर है और मंदिर भी है ऊपर से। देखो वाटर सोर्स के लिए यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए एक तालाब बना है जिसको मतलब जो बहुत बड़ा तालाब है, और ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारी बावड़ियाँ और ऐसे ही छोटे छोटे कुंड छोटे छोटे तालाब बनाए गए जो कि पानी को सोर्स करता था पानी स्टोरेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। ये रानी पद्मावती राजमाता का पैलेस से पूरा इस पैलेस को पूरा डैमेज कर दिया था उस टाइम के अंदर में, क्योंकि हमला बहुत बड़ा हुआ था इस किले के ऊपर में 1303 के अंदर में। तो ये पैलेस जो बना हुआ है इसमें राजमाता है उस समय के अंदर में घूमना फिरना रहना, और जब भी गर्मी ज्यादा पड़ती थी तो वो पानी के अंदर सर जल पैलेस में। हाँ सर जल महल है पानी के अंदर बना हुआ है। ये सारे लिंग जैसे रहने की जगह है जो इनकी खास खास दासियां थी वो इन पैलेस के अंदर में जैसे ये कमरे बना रखे हैं छोटे बड़े यहाँ पे इनके अंदर। ये पूरा चूने से बना हुआ पैलेस है। तो ये दासियों के रूम से भाई देख सकते हो छोटे छोटे रूम है लेकिन काफी अच्छे हैं। लेकिन ऊपर की छत कहाँ गई? छत वगैरह सब गल गई सर, टूट गए क्योंकि पाए लकड़ी के थे ना, पाए लकड़ी के बनाते थे ढकने के लिए, और केलू मिट्टी का जो वो होता था ना केलू टाइप का उससे बनाते थे सर। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं बड़ी वाली, इसके अंदर में रानी पद्मावती राजमाता का रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चेहरा देखा था वो इधर में। ये सामने जो आप महल देख रहे हैं सर ये जल पैलेस है। ये पैलेस जो बनाया गया ये ठंडक के हिसाब से बनाया गया था क्योंकि उस जमाने में लाइटें वगैरह नहीं होती थी, तो रानी पद्मावती राजमाता गर्मी के टाइम इस पैलेस के अंदर में 4 महीना गुजारती थी सर। और पीछे जो हवेली आप देख रहे हैं वो बोरा और बादल की हवेली है जो रानी पद्मावती राजमाता के खास बॉडीगार्ड थे जिनकी गर्दनें कट गई दृढ़ युद्ध के अंदर लड़ता रहा। ये दोनों वीर और शूर पीछे रहते थे, खास इनके बॉडीगार्ड थे। वो राजा रतन सिंह जी की हवेली बनी हुई खंडर हवेली है, उसके अंदर में हादसा होने से उसको बंद कर दिया क्योंकि एक आदमी ने वहाँ फांसी लगा ली थी सर। अच्छा। और 7 दिन में जाके मिला वो आदमी वहाँ पे कि कोई जाता ही नहीं था खंडर हवेली कौन जाएगा। वो राजा रतन सिंह जी की हवेली है, ये जल महल है, ये रानी पद्मावती राजमाता के नाम से बनाया पैलेस। अलाउद्दीन खिलजी को वहां पे भोजन करवाया, आंखों पे पट्टी बांध के या फिर सेंटर के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया और वहां पे राजमाता को खड़ा किया गया था। और यहाँ पे एक कांच लगाया, इस कांच के द्वारा यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिखाया गया था कि भाई समझौता हो जाएगा तो जौहर नहीं होंगे, महल वगैरह टूटेंगे नहीं, लोग मरेंगे नहीं, बच्चे कटेंगे नहीं। तो लास्ट में कोई समझौता हो नहीं पाया था, मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी को धोखे से बंदी बना के अपने साथ। तो आप रणभूमि के अंदर में बहुत बड़ा पड़ाव डाला, फिर मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी को छुड़ाने के लिए स्वयं रानी पद्मावती राजमाता गई और गोरा और बादल भी साथ में गए थे छुड़ाने के लिए। ये आने जाने का जल महल का रास्ता है। अच्छा, ये अंडर वाटर रास्ता है? अंडर वाटर रास्ता बना हुआ है बट ये पानी मतलब जितना भी पानी लकड़ी की नाव से आना जाना होता था। अच्छा, उस समय के अंदर सीढ़ियां बनी हुई बेकायदा नीचे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, ये आने जाने का रास्ता उस टाइम। ओके, ये पद्मिनी पैलेस बोले तो सूर्य भगवान का मंदिर है। ओके, हाँ सूर्य भगवान जब भी देखो बारिश में नहीं निकलते थे, हाँ। एक चांदी के सूर्य भगवान की स्थापना यहाँ कर रही रानी राजमाता के लिए। ये पूरा सभा का इलाका है, ये सभाएं होती थी उस समय के अंदर, यहाँ सभाएं चलती थी और बाकी ये पैलेस के अंदर गवर्नमेंट ने बगीचा डेवलपमेंट कर रखा है सर।
बाकी आप ऐसे ही घूमना चाहते हैं। ये जो आप विजिट कर रहे हैं ये राजा रतन सिंह जी की हवेली है, उस जमाने की। उस जमाने के अंदर में राजा रतन सिंह जी यहाँ पे मीटिंग वगैरह लेते थे, जो भी बाहर से राजा आते थे वो मिलना जुलना यहाँ होता था, क्योंकि जल महल के अंदर में कोई प्रवेश नहीं करता था और जल महल के अंदर में कोई जाता नहीं था, क्योंकि किसी को एंट्री नहीं थी, पानी के अंदर से पैलेस बनाया इसीलिए। तो इस किले के ऊपर में जो एक मंदिर फेमस है भोलेनाथ का, जो सर को मैंने आपको दिखाया था, बाकी ये छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। फिर इस गेट का नाम पड़ता है सूरज कोर गेट, और ये अलग ही पत्थर से बना है। हाँ, ये अलग है क्योंकि इसको रिपेयरिंग करवाया था फतेह सिंह जी राजा ने सर। अच्छा, फतेह सिंह जी राजा ने 1906 के अंदर में इसको रिपेयरिंग करवा दिया था। और ये किले का मेन दरवाजा है सूरज कोर गेट, पहले ये मिट्टी का कच्चा रास्ता बना हुआ था, मगर टूरिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको रिपेयरिंग करवा दिया। और ये पूरी जो आप देख रहे हैं ये रणभूमि है चित्तौड़गढ़ किले की। इसी जमीन के ऊपर में बड़े बड़े युद्ध हुए थे उस जमाने के अंदर में। सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी, जो मेवाड़ के राजा रतन सिंह जी के फाइट यहाँ हुई थी सर। ओके, तो देखो ये है सूरजपुर गेट, जैसा कि हमारे गाइड साहब ने बताया, ये सारी हिस्ट्री मतलब ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री बता चुके हैं, मतलब मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। और ये है वॉर एरिया पूरा। चलो अभी आगे बढ़ते, आगे क्या होता है, आगे क्या है, लेट्स सी। आगे कीर्ति स्तंभ में जैन टावर, वहां पर वो दिखते हैं, उसके बाद अपन निकलते हैं आगे। एंड दिस इज जैन टेम्पल, और ये है कीर्ति स्तंभ, जो कि यार मतलब इसकी बनावट, और बताया जाता है इसको बनाने के लिए जड़ी बूटियों का यूज किया गया था पत्थरों के साथ, जिससे इसकी मजबूती कायम रहे। मतलब आप देख सकते हो यार क्या इनक्रेडिबल बना है ऐसे ही। दिस इज जैन मंदिर, और मतलब यार फोर्ट इतना बड़ा है ना कि आप वॉक बाय वॉक तो नहीं घूम सकते हो, आपको बाइक या फिर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, और एक गाइड साहब गाइड तो चाहिए कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये देखो ये है म्यूजियम, फूड का म्यूजियम, और ये हमारे यहाँ के ठाकुर साहब मुखिया जी बताया जा रहा है इनको, तो आपने बारे में कुछ बताइए और यहाँ के बारे में भी कुछ बताइए। नाम ऐसे माधुरी बोलेंगे, तो गाइड है, किले पे गाइड करते हैं, गाइड का काम। कभी भी आओ प्रहलाद जी से कांटेक्ट करो, काफ़ी अच्छा ये एक्सप्लोर कराएंगे, एक एक डिटेल आपको पूरी बताई जाएगी। तो भाई नंबर भी आपको मेंशन कर लेंगे, जब भी कभी भी आओ तो आप कॉल कर लेना, मतलब यार रेफरेंस दे देना। और ये रमेश जी है, मतलब ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, गाइड है गवर्नमेंट से, सब गाइड है हम लोग। बाकी नीचे की तरफ काफी सारे गाइड मिलेंगे, बट वो लोकल गाइड है, गवर्नमेंट के गाइड नहीं है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट गाइड है, तो इन्हीं से कांटेक्ट करो, ये पूरा आपके साथ ही घूम करके पूरा सब कुछ आपको किला एक्सप्लोर कराएंगे, एक एक डिटेल आपको बताई जाएगी, दैट इज गुड। तो चलिए मिलते हैं अभी। चित्तौड़गढ़ का पूरा फोर्ट का पूरा मॉडल आप देख सकते हो, उसके साथ ये पूरा मतलब एक म्यूजियम है, जहाँ पर आप मतलब यहाँ पर कुछ कुछ प्राचीन तलवारें वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखी है, तलवार मतलब प्राचीन हथियार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ पानी वगैरह पी लेते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो राइफल्स, गन्स, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गन्स है यहाँ पर, अब ये इस तरह की गन मैंने पहली बार देखी है। एंड जो ये राजा है इनकी हाइट जो है 7.5-8 feet के बंदे के लिए ये गन तो ठीक है। तो जो अभी आपने देखा वही है सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए, म्यूजियम में गन्स, आर्मर्स, मतलब मेनली आर्मर्स यहाँ पर रखे, उसके साथ बाकी का जो भी एरिया है ऊपर जा सकते हो आप, बट वो कुछ है नहीं उसमें, सारे जो रूम्स वगैरह है सब कुछ क्लोज्ड है, तो इसीलिए यहाँ से अभी एग्जिट मारने का टाइम आ चुका है। तो अभी एग्जिट करते, देन उसके बाद प्लान करते कि भाई करना क्या है अभी चित्तौड़गढ़ में। अभी टाइम हो गया है 10:30, 10:30 बजे सिर्फ अभी अभी अपने पास काफ़ी टाइम है कि अपन बांसवाड़ा पहुँच सकते हैं। तो पहले मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। एंड नाउ बैक टू होटल, और अभी यहाँ से लगेज कैरी करूंगा, देन उसके बाद सीधा निकलेंगे वापस बांसवाड़ा के लिए। सो नाउ आई एम रेडी टू गो, लगेज वगैरह सब कुछ सेट हो गया है, देन उसी के साथ यहाँ से बांसवाड़ा है 200 किलोमीटर अप्रॉक्स, और उसी के साथ अपन को सीधा उदयपुर वाला रोड लेना है, और गर्मी बहुत तेज है अभी, तो इसीलिए फटफट निकलते क्योंकि दिन में कवर कर लेंगे रोड, उसके साथ इजीली शाम तक 5-6 बजे तक मेरा एम है बांसवाड़ा पहुंचने का। थैंक यू सर।